मध्यप्रदेश महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लोकार्पित होइछि महाकाल लोक करिडर। गतकाली मंदिर में स्वतंत्र पूजा अर्चना करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्य रूप से आत्मप्रकाश करिछि द्वादश ज्योतिर्लिंग। प्राय 50 हेक्टर जमीन में निर्माण होइछि एहि सौंदर्यमय करिडर। प्रकल्प अंतर्गत मंदिर परिसर को 7 गुणा विस्तार करा जाइछि। नंदी द्वार मुख्य मंदिर गर्भगृह दूरता प्राय 900 मीटर रही। करिडर मध्य महादेव उत्पत्ति और रहस्य को नहीं 200 रु अधिक देवादेवी मूर्ति निर्माण हो। करिडर ठीक मझे रही पौराणिक कथावस्तु समुद्र मंथन आधारित कलाकृति। प्रकल्प में मोट 850 कोटी टंका निवेश करा जाएगी। भव्य महाकाल लोग भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज जब हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, ये विश्व में किसे विस्मित नहीं कर देते। ये महालोक का निर्माण समूचे उज्जैन और उस परिसर का कायांतरण है, रूपांतरण है, जो नैनाभिराम स्वरूप में आप देख रहे हैं। अजय, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्री महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जानी है। 2 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है, उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान शिव और उनके गढ़ों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं और 750 से ज्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी संख्या 23 है, जिसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें, विष्पान, अमृत मंथन के बाद जो विष्पान के दृश्य हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्ष वध है, उसकी भी मूर्तियां आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा, उसके बाद मणिभद्र अवतार, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ जो पार्वती, जिसका जिक्र हमारे साथी अश्विनी जी कर रहे थे कि शिव वाटिका का निर्माण किया गया है, तो यहां पर 4 वाटिकाएं बनाई गई हैं, जिसका हम आपको लगातार उसके बारे में बताते रहेंगे। और इस महाकाल लोक में 11 फीट की 17 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर आपने देखा भगवान श्री गणेश, उसके बाद अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्न, जो आपने सप्तर्षि के जो मूर्तियां देखी वो शामिल हैं। बहुत ही अद्भुत जो प्रतिमाओं का दर्शन और उसके साथ साथ जो भगवान शिव की जो शिवत्व का दर्शन है, वो आप कैसे दृश्यों के माध्यम से अपने आप में समाहित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हुए कैसे आप अध्यात्म के सफर पर चल सकते हैं। और कल ही से इस
इस योजना का या फिर कहें इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे वो अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। स्वागत है आप सभी का महाकाल लोक में, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन। ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतं सं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। संकल्पना है सही मायने में यहाँ पर इस समय धरती पर उतर आई है और सब कुछ इस समय शिवोहम के स्वरूप में हो चुका है। नमे द्वेष रागो नमे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम। अगर शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न वो द्वेष है न राग है न लोभ है न मोह है न मद है न मात्सर्य है न धर्म है न अर्थ है न काम है न मोक्ष है चिदानंद रूप है। और वह रूप जो सत चित और आनंद को व्याख्यायित करता है और वह रूप जो सही मायने में आज देखे तो आज रुद्र सागर के तट पर पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नयनाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है तो ये प्रमाण है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें, सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे करीब करीब जो 80% विद्युत का उत्पादन या जो उपभोग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं नाइट गार्डन में किया जा रहा है वो यही के प्रांगण में जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है करीब 450 किलोवाट के संयंत्र के द्वारा 80% जो हिस्सा है वहीं से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है और पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं, मलखम अजय इसके बारे में बताएं, पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये बहुत ही अद्भुत, ये माधव न्यास संचालित जो मलखम्ब की पूरी प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। और यही इसी संस्थान का जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं। और यहाँ के कई जो छात्र हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो मलखम्ब से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो अजय, इसके बगल ही भारत माता का मंदिर है जहां पर मलखम्ब के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसके बगल में ही आद्य द्वितीय गुरु सत्संग चालक को संबंधित और उनके लिए समर्पित माधव सेवाश्रम है। और साथ ही साथ ये जो विलक्षण हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कला थी, जो हमारा ये ज्ञान था, जो हमारी हमारा ये कर्तव्य था, जो हमारा व्यायाम था, जो कि कहीं लुप्त हो रहा था, उसको जो है पुष्पित पल्लवित संवर्धित और स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देख रहे हैं आप भारत माता का मंदिर जो कि महाकालेश्वर भक्त निवास भी यहाँ पर है और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो दो ही मंदिर है, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृति के हैं अजय, जो हम कहते हैं कि माता पृथ्वी पुत्रो अहम, माता पृथ्वी है और हम उसके पुत्र हैं। हम ऐसे उस सनातन संस्कृति के हैं जो हम कहते हैं कि हम अपनी जन्मभूमि को माँ के सदृश मानते हैं। हम उस संस्कृति के हैं जो ये कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम उस सनातन संस्कृति और भारत भूमि की पूर्ण भूमि के हैं जो कि ये बताते हैं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए।